कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे जिंदगी है। अगर यकीन नहीं आता तो ये ब्लॉग तुम्हारे लिए। आज मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी का सबसे थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, डेंजरस, एडवेंचरस और मतलब एक नेक्स्ट लेवल एडवेंचर शेयर करने वाला हूँ, जिसको करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। एक अपने अंदर का डर जो है ना वो बाहर निकालना था, लेकिन आपस की बात है जब मैं वो कर रहा था ना, मेरी ये हो गई थी, मतलब एकदम लेवल नहीं बता सकता कि क्या हालत थी। लेकिन जब मैंने कर लिया तो उसके बाद मेरे अंदर ऐसा था कि यार जानी मतलब मैंने कुछ किया है, यू नो, तो ऐसा सीन था। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सेलिब्रिटीज़ हैं जिस तरह के विल स्मिथ है, मिशेल है फास्ट एंड फ्यूरियस वाली, मावरा है अपनी इंडस्ट्री की, वकार जका है, इन सब ने वो सब किया हुआ है। और मैंने बोला कि यार मैं भी अपना नाम उधर डाल देता हूँ, पुरानी बात है, लेकिन मैंने बोला सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ स्काई डाइव, वो भी दुबई में, नेक्स्ट लेवल सीन। मतलब दुबई को मैंने उस नज़र से देखा है, उस तरह से देखा है शायद जिस तरह से काफ़ी कम लोग देखते हैं। मतलब बुर्ज खलीफा, बुर्जुल अरब, दुबई मरीना, सब कुछ मेरे नीचे, मैं ऊपर हवा में। ये मैंने अभी नहीं किया है, ये काफ़ी पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात है, लेकिन मैंने एक अच्छा काम किया था कि जब मैं ये कर रहा था तो मैंने 300 दिरहम ज़्यादा दे के जो है ना, मैंने कहा था कि मेरी वीडियो भी बना दो ताकि ये मैं अपने पास हमेशा के लिए सेव रखूं, और शायद इस वीडियो के पैसे आज पूरे हो जाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने वो मुसाफिर वीडियो के अंदर, जब मैं जहाज से गिर रहा था और मैंने एक अभी इंस्टाग्राम पे रिसेंटली पोस्ट डाली, तो उसके ऊपर मुझे लोगों ने कहा कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हैं, इसके ऊपर व्लॉग बनाए अगर आपके पास फुटेज है। तो मैंने सोचा कि हाँ मेरे पास फुटेज तो है, तो क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस कि मैं कैसा फ़ील कर रहा था, ये पूरा सीन था कैसा, वो आप लोगों से शेयर करूं। तो पहले फुटेज देखते हैं, फिर आके बात करते हैं कि मैंने ये व्लॉग बनाया क्यों। हेलो, हाय, हाउ आर यू? गुड, यू? नॉट टू बैड। शक्ल देख रहे हैं आप, 3 साल पहले मैं कैसा लगता था, नया नया ऑस्ट्रेलिया आया था, तो इंग्लिश से जज नहीं करिएगा, बहुत नया था, तो चलेगी आगे चलते हैं। एनी मैसेज फॉर फैमिली और फ्रेंड्स हु विल वॉच वीडियो लेटर, लिव योर ड्रीम्स, लिव योर लाइफ बियॉन्ड द लिमिट्स, हैव फन, थैंक यू, टू सी इन अ प्लेन। पूरा दुबई आपके सामने है, और बुर्ज खलीफा पीछे, बुर्जुल अरब इधर, और हम जहाज़ में ऊपर जा रहे हैं। अभी तक मेरी एक्साइटमेंट का जो लेवल था ना वो काफ़ी हाई था और मैं काफ़ी खुश था। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी कि यार मतलब इतनी बड़ी चीज़ है और मैं ये करने वाला हूँ और मज़ा आएगा और ये और वो, जब करके निकलूँगा तो अलग ही लेवल होगा। बट जब हम ऊपर आगे देखें, The next day we feel hurt inside, you know that it was worth the price, ready to start. So we're flying up, how do you feel now? Pretty excited, a bit nervous as well. और इस वक्त आप मेरी हालत देख सकते हैं, मेरे चेहरे पे जो है ना वो क्या कहते हैं, चेहरे पे 12 बज रहे होते हैं, तो मेरे आप चेहरे पे देख सकते हैं कैसे 12 बजे में मेरे चेहरे पे, और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हुआ हुआ है। मैं कैमरे के आगे क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, वर्ड्स क्या यूज़ कर रहा हूँ। बस अब मैंने नीचे खिड़की से देखा था और मुझे लगा था कि जानी शारिक भाई तुम तो गए हो, मतलब काम हो गया, वो कहते हैं काम 25, वो वाला सीन था। इंस्ट्रक्टर ने मुझे देख लिया था
मेरा मेरी हालत ख़राब है, तो उसने मुझे ही बोला था नीचे मत देखना ऊपर देखना, बाकी मैं संभाल लूँगा। जब हम हवा में चले जाएंगे तब तो तुम्हें पता ही है क्या हो रहा होगा, तब तो कोई रास्ता ही नहीं होगा। कूदते वक्त नीचे नहीं देखना। और फिर आता ये मोमेंट, मतलब सारे पैसे इस मोमेंट के। चेक किया मतलब अलग नेक्स्ट लेवल सीन था। एक मिनट रिवर्स करके दिखाता हूँ आपको। चेक कर ये, यहाँ तक मेरी हालत ख़राब है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और क्या वाकई में कुछ हो रहा है। बाद में मेरा कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ी देर बाद। अब मेरा जो है वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस आ गया है और अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अब चीज़ हो रही है। और 14,000 फुट मतलब देख रहे हैं आप, और ये वाले इस सीन के पैसे हैं सारे ख़त्म। यहाँ पे जो है ना माइक ड्रॉप तो नहीं कर सकते, मतलब जहाज से बंदर ड्रॉप वो वाला सीन है। यार ये था मेरा एक्सपीरियंस। ये नहीं समझिएगा कि मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि ये चीज़ मैंने की है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है शायद, ऐसा ऐसा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो दूसरा मेरा मकसद था ये व्लॉग बनाने का, वो ये था कि यार मैं आप लोगों को बताऊं कि लाइफ के मायने क्या हैं। मतलब लाइफ एक दफ़ा मिलती है, हम लोगों को उसके लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने लिए, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। ख्वाब देखना इज़ नॉट अ बिग थिंग, ख्वाब को पूरा करना इज़ बिग थिंग। आपका ख्वाब है आप ही पूरा करेंगे, कोई और पूरा नहीं करेगा। तो आप निकलिए अपने ख्वाबों के लिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा, अपने उस कम्फर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, बट द थिंग इज़ दैट कि हमारे माशरे में, जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, शायद आप लोग जो देख रहे हैं आप भी बात इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे यहाँ सिर्फ ये बताया जाता है कि यार पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, फिर मकान या गाड़ी, उसके बाद शादी, देन बच्चे, फिर वही बुढ़ापा, और साइकिल ख़त्म हो जाता है और लाइफ ख़त्म हो जाती है आपकी। बट मैंने ये चीज़ जो है ना वो यहाँ आके रियलाइज़ की कि नहीं यार, लाइफ इस इन सब कुछ चीज़ों से बढ़ के एक बहुत बड़ी नेमत है और सिर्फ एक दफ़ा मिलती है। मतलब मेरे पास पैसा हो, बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, अच्छी जॉब हो, अच्छी बेगम हो, जो कि अभी है नहीं, अच्छी बेगम हो, अच्छे बच्चे हों, लेकिन यू नेवर नो कि लाइफ को एक सेकंड चाहिए होता है ख़त्म होने के लिए। ऐसे ही मत जिए, ज़िंदगी सिर्फ एक दफ़ा मिलती है, उसको उसके फुलेस्ट तक जिए। आपको गम ना हो, रिग्रेट ना हो कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी बिता दी बस पैसे कमाने में या स्ट्रगल करने में। मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ ने ऐसा यू टर्न मारना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे तश्तरी में आ गया, मैंने मेहनत की, मैंने 3-3 जॉबें की, 18-18, 19-19 घंटे काम किए, 24 घंटों में गाड़ियों में सोया हूँ। मैं अपनी कोई दुखी कहानी नहीं बता रहा, बस मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार आप, जब मैंने किया तो आप भी कर सकते हैं। और बस ये था आज का एपिसोड, उम्मीद है कि कुछ मोटिवेशन आपको मिली होगी। बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग जो भी मुझे फॉलो करते हैं, मैंने सोचा कि यार क्यों ना ये एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँ, ना कि बस एक क्लिप मैंने दिखा दी कि ये शशका मैंने मारा है। इससे बेहतर है कि कोई स्टोरी, कुछ मोटिवेशन मिलनी चाहिए आप लोगों को, तो मैंने सोचा ये व्लॉग बनाऊं। बस ये था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सपने बन के साथ। के अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम उस्मान खालिद है और मैं डबलिन आयरलैंड से, और मेरा क्वेश्चन शारिक भाई आपसे है, आप दुनिया में हर जगह घूमने के लिए जाते हैं पर आप रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्यों नहीं आते? क्वेश्चन है।
उस्मान मेरा रिश्ता कुछ आइलैंड से ऐसा है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में आज नहीं होता तो शायद आइलैंड में होता, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया से पहले आइलैंड के लिए अप्लाई किया था और मेरा एडमिशन भी आ गया था यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन से, लेकिन उसके वीज़े से पहले मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया था, तो मैं आज ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ। और अब कभी भी मैं अगर इंग्लैंड आया या यूरोप आया तो आइलैंड मेरी लिस्ट में है। इंशाल्लाह मैं आइलैंड आऊँगा, डबलिन आऊँगा, और हो सका तो आपसे मुलाकात भी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।